आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें तो कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर, जहां यूपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 18,554 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 3,643 कोरोना संक्रमित, गौतम बुद्ध नगर में 1,684 कोरोना संक्रमित मिले हैं, गाजियाबाद में 1,456, आगरा में 927, बुजुर्ग समेत 2 संक्रमितों की मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई है। वहीं रिकवरी रेट बताएं आपको तो 24 घंटे में 19,328 संक्रमित रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 97,329 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 18,554 नए संक्रमित मिले हैं कोरोना के, और लखनऊ में 3,643, तो सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। और कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक लगातार बने हुए हैं। अशफाक, उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है लेकिन कोरोना संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, 1,00,000 के करीब एक्टिव केस होने वाले हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट देखा जाए तो 19,328 संक्रमित पिछले 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। बिल्कुल वैसा रुको, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सुकून की बात यह है कि अगर आप पिछले 24 घंटे की बात करें तो 19,000 से ज्यादा जो है मरीज रिकवर हुए हैं। और अगर मैं 24 घंटे बाद पहले की और बात करूं, यानी कि 2 दिन पहले की बात करूं, तो 24,000 मरीज जो है रिकवर हुए थे, जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े हमें दिए हैं। इसलिए जो आंकड़ा जो टोटल मरीजों का वो 1,00,000 के नीचे बना हुआ है, लेकिन राजधानी लखनऊ में जो है लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी चीज, कल जो है मुख्यमंत्री ने एक हाई प्रोफाइल जो स्वास्थ्य टीम बनी हुई, टीम 9 जिसको हम कहते हैं, जो कोरोना और तमाम चीजों पर नजर रख रही है, उसकी मीटिंग की थी और ये कहा था कि जिन लोगों को डोज नहीं लगा है उनको लगाया जाए। जो आंकड़े दिए गए स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से वहां पर 24 करोड़ में जो है टीका लग चुका है उत्तर प्रदेश में, प्रथम जो टीका होता है, और दोनों डोज जो है करीब 9.5 करोड़ लोगों को लग चुकी है। और जो आंकड़ा 92% के आसपास जो है प्रथम डोज, और जो दोनों डोज जो लग चुकी है वो करीब 62% के आसपास है। लेकिन ये जो सेकंड डोज का मामला है ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है लेकिन सेकंड डोज के लोग जो है आगे आके नहीं लगा रहे। कई ऐसे सेंटर हैं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जहां पर दिन भर में जो है करीब 1 दर्जन लोग भी आके टीका नहीं लगवा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि चुनाव है और इस वजह से शायद जो है लोग टीका कम लगवा रहे हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़े बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित हो रहा है। जी बिल्कुल अशफाक, देखिए वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ हम देख रहे हैं कि मरीज संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन रिकवरी भी उतना ही जल्दी हो रही है, कम दिनों में लोग रिकवर कर जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए लखनऊ में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो भी नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का कितना पालन किया जा रहा है? देखिए, गाइडलाइन की बात अगर मैं करूं तो मैं बार बार लगातार हमारा चैनल इस बात को जो उठा रहा है, लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन बहुत जरूरी है, ये सबके लिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आम लोग हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोग लापरवाह हैं, बिल्कुल हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं, बगैर मास्क दिखाई देते हैं, भीड़ लगी रहती है। और मैं आपको बताऊं कि आजकल चूंकि पॉलिटिकल माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो कई जो है पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में हम जा रहे हैं और वहां तो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। पुलिस सिक्योरिटी खड़ी रहती है, थोड़ी देर बाद उसको हटाती रहती है, जब हमारे कैमरे चलते हैं तो पुलिस हटाती हुई नजर आती है, जैसे ही हमारे कैमरे बंद होते हैं पुलिस अपनी जगह खड़ी हो जाती है। सख्ती जो करना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, जुर्माने जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे, ये कहीं ना कहीं जो है नुकसानदेह। और सख्ती जब तक नहीं की जाएगी शायद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है आम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल अशफाक, बेहद जरूरी है कि सख्ती भी की जाए, लोग खुद भी सावधान रहे, सतर्क रहे। आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, करीब 19,000 के करीब मामले मिले हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में, और दिन प्रतिदिन इन आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है।